नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। मैं अमित विक्रम। बिहार में एनडीए का एक मजबूत साथी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राजनीति में 7 वर्ष पूरे करने जा रही है। 7 वर्ष आसान नहीं होता है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने ये लक्ष्य भी पूरा किया है और आज बिहार सरकार में एक महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में काम कर रही है। चौबीस जुलाई को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और ख़ासकर मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक जी और महानगर अध्यक्ष राहुल जी काफ़ी उत्साही हैं और भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। आज इन्होंने एक कार्यकर्ताओं की बैठक की है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और जनता तक माझी जी का संदेश पहुँचाया जाए। ये तमाम बातें आज शरीफुल हक जी ने अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा। 24 जुलाई को स्थापना दिवस कार्यक्रम में क्या काम करेंगे, इस पे हम शरीफुल जी से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का आगे का लक्ष्य क्या है। पार्टी कार्यक्रम तो कई कर रही है लेकिन लक्ष्य नहीं पता चल रहा है कि पार्टी का लक्ष्य क्या है, पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। और आप सरकार का हिस्सा है और सरकार में जो भी अभी वर्तमान में जिला स्तर पे जो भ्रष्टाचार है, इस पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिल्कुल चुप्पी साध दिया है। एक समय माझी जी लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर होते थे, सरकार में रहने पे भी दारूबंदी पे सवाल उठाया, लेकिन अब माझी जी बिल्कुल चुप हो गए हैं। कभी माझी जी ने ब्राह्मणों के बारे में भी कुछ आपको अपशब्द कहे थे, लेकिन बाद में दलित ब्राह्मण भोज कराकर उन्होंने उस मामले को शांत किया। उसके बाद से माझी जी लगातार चुप हो गए। तो इतनी बड़ी खामोशी क्यों ली है माझी जी ने, इस पर भी हम शरीफुल जी से चर्चा करेंगे। शरीफुल जी, सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफुल जी, एक ही प्रश्न सभी लोगों के मन में है। 24 जुलाई को आपका स्थापना दिवस है, 7 वर्ष पूरे हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 वर्षों में किन किन मुकामों को तय किया? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक विशेष बैठक हम लोगों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं और प्रखंड अध्यक्षों का हम लोगों ने किया है। चूँकि उस बैठक का उद्देश्य है कि आगामी 24 जुलाई को पूरे राज्य भर में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने धूमधाम से तैयारी किया है इस कार्यक्रम को मनाने का, चूँकि हमारे पार्टी का 7वां यह स्थापना दिवस है। और इस बैठक में आज हम लोगों ने रणनीति जो तय किया है, समीक्षा किया है, उसमें हम लोगों ने इस स्थापना दिवस कार्यक्रम का हम लोगों ने तैयारी समिति का संयोजक महानगर के अध्यक्ष राहुल कुमार को आज हम लोगों ने बनाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि प्रत्येक वर्ष मुजफ्फरपुर जिले में भी अच्छे तरीके से स्थापना दिवस मनाया गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार भी जो है हम उससे पीछे तैयारी में नहीं है और बहुत बेहतर तरीके से स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। आपके द्वारा ये 4था स्थापना दिवस, आपके कार्यकाल में पार्टी 4था स्थापना दिवस आपके द्वारा मनाया जा रहा है। इन 4 टर्म, मतलब 4था टर्म है आपका ये, तो इन 4 टर्म में पार्टी ने क्या मुकाम हासिल किया? क्योंकि माझी जी महागठबंधन में भी गए, पहले एनडीए में थे, फिर महागठबंधन में आए, फिर एनडीए में आए, अभी सरकार में एक महत्वपूर्ण भागीदार हैं और सरकार में उनके सुपुत्र मंत्री भी हैं। क्या लग रहा है, अभी नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी सीईओ के ट्रांसफ़र में जो भ्रष्टाचार आया, बीजेपी के मंत्री रामसूरत राय जी के द्वारा जो किया गया, जिसको मुख्यमंत्री जी ने उन सभी तबादलों को निरस्त किया, तो क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसमें माझी जी का स्टैंड क्या है? देखिए, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। जो आप देख रहे हैं वो कहीं कुछ नहीं है। हमारे माझी जी आदरणीय हमारे नेता जो पार्टी के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, पूरे चट्टानी एकता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और कहीं कोई एनडीए में किसी में कोई खटास नहीं है। थोड़ी बहुत कहीं एक जगह परिवार में रहने में थोड़ी बहुत गिले शिकवे होते हैं, तो वो सब आपस में बैठ के मिलजुल के उस सबको ख़त्म कर दिया जाता है। शरीफुल जी, राजनीति में तो कोई चीज़ अस्थाई नहीं होता है,
दोस्त भी बदलते हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे लगातार अभी जैसे आरजेडी ने एक बड़ा गेम किया और बड़ी पार्टी बन गई वो अचानक, क्या कहीं सत्ता परिवर्तन की कुछ हवा आ रही है क्या? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी जो सपने पाले हुए हैं कि हम उन दलों के लोगों को तोड़ के, ओवैसी जी के पार्टी को तोड़ के, तीन विधायकों को तोड़ के हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे, तो आपने देखा है बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए अलायंस को, और नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार में जिस तरह से विकास की गंगा बहा है, आप पुल पुलिया देखिए, सड़क देखिए, बिजली देखिए, सुशासन देखिए, हर जगह जो है आपसे कहते हैं नीतीश कुमार जी ने काम करने का नहीं, काम नहीं, मतलब सरफुल जी ये सब तो बातें ठीक है कि मेरा ये प्रश्न था कि जो आरजेडी जो सपने देख रही है सत्ता में आने का, सॉफ्ट टारगेट माझी जी हैं, क्योंकि लगातार चर्चा है कि माझी जी आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, माझी जी आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, तो माझी जी का स्टैंड, क्योंकि चार विधायक है आपके और ये चार विधायक अगर एनडीए में है तो सरकार है, एनडीए से बाहर है तो महागठबंधन की सरकार है, तो सॉफ्ट टारगेट क्या माझी जी बनेंगे? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई माइका लाल नहीं है जो आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी के पार्टी को तोड़ ले या उनके विधायकों को तोड़ ले। हमारे जो चार विधायक हैं पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे चट्टानी एकता के साथ जीतन राम मांझी जी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो लोग चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सब बकवास की बातें हैं कि अफवाहें हैं, ये कयास नहीं लगा रहे हैं लोग के माझी जी की पार्टी टूटेगी, तो माझी जी की पार्टी कहीं टूटने नहीं जा रही है, माझी जी की पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। माझी जी पूरी मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं ये शरीफुल जी का कहना है, माझी जी का क्या स्टैंड होगा ये तो माझी जी ही बताएंगे। हम बात करेंगे राहुल जी से जो 24 जुलाई को स्थापना दिवस मना रही है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके संयोजक बनाए गए हैं। राहुल जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, संयोजक भी बने हैं आप स्थापना दिवस के, और आप कुछ दिन पहले ही महानगर अध्यक्ष भी बने हैं, तो क्या लगता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महानगरों में कितना मजबूत हो रही है और पार्टी का विस्तार मुजफ्फरपुर जिला में आपके द्वारा कितना किया गया है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 24 तारीख का जो स्थापना दिवस है उसकी तैयारी हम लोगों ने लगभग पूरी कर ली है, और जिला हमारे जिलाध्यक्ष शरीफुल हक जी के निर्देश पर पार्टी के स्थापना दिवस बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा, एवं जैसा कि आपने कहा कि संगठन विस्तार की बात, तो सभी 49 वार्डों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर महानगर के सभी वार्ड अध्यक्ष तैयार हो चुके हैं, और पार्टी विस्तार की जो बात रही तो जिलाध्यक्ष शरीफुल हक नेतृत्व में हर रोज हर दिन महानगर विस्तार भी होता है और जिला में भी विस्तार का पार्टी के विस्तार काम चल रहा है, और साथ में सदस्यता अभियान भी जोर शोर से चल रहा है हम लोगों का, और हर रोज हमारे पार्टी में बहुत से लोग जुड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल भी एक डॉक्टर समय पार्टी में जुड़े हैं, फिर महानगर कमेटी का भी विस्तार हो रहा है। राहुल जी लगातार महानगर कमेटी का विस्तार करा रहे हैं, पार्टी को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, दोनों जिलाध्यक्ष, मेन जिलाध्यक्ष शरीफुल जी और महानगर अध्यक्ष राहुल जी दोनों मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और एक ही लक्ष्य है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद शरीफुल हक जी का और राहुल जी का नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए।